ये कौन है? अब लगता है घर में चोर घुस आए हैं। सांता कहाँ है? क्या वो गायब हो गया? ओ, लगता है पिछवाड़ा टूट गया। हमें मदद मांगनी चाहिए इस घर से। इन पागलों को क्या चाहिए आखिर? इनको तो मैं देख लूंगी। दरवाजा खोलो, सांता की हालत खराब है। प्लीज दरवाजा खोलो, मुसीबत आ गई है। वापस से चोर? जानते हो ना मैं यहाँ पर अकेली हूँ। हमें मारना मत, हम चोर नहीं हैं। तो तुम कौन हो? हम सांता के हेल्पर्स हैं। क्या सच में? मेरे घर में सांता के हेल्पर्स हैं? हाँ, हमारा स्लेह तुम्हारे घर से टकरा गया था। फिर भी उदास चेहरा क्यों? मुझे होम अलोन की मूवी बहुत पसंद है। बस करो, सांता मुश्किल में है, हमें मदद करनी चाहिए। वो आखिर गया कहाँ? उसे किडनैप किया गया है। पक्का किडनैप हो गया होगा। तो क्या तुम सच में जादुई प्राणी हो या भेष बदला है? हाँ। अरे वाह, मैं अकेली हूँ। क्रिसमस के ये क्रिएचर्स मुझे मिले हैं और सांता गायब हो गया। अरे, मैं एक जासूस बनूंगी और केस सॉल्व करूंगी। क्या तुम ये कर सकती हो? वैसे भी तुम एक बच्ची हो। मैं कर सकती हूँ। मैंने पहला क्लू ढूंढ भी लिया है। चलो अंदर चलो, मुझे चलकर इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। चलो 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 चलो। ये क्या है? ये कैसे हो गया? वाओ, तुम क्या मरमेड हो? क्रिसमस मरमेड। वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? समझ गई। ये चोरों के लिए बस एक जाल है। तुम चोरों से क्यों डरते हो? मेरे सभी लोग छुट्टियों पर गए हैं मुझे छोड़कर, और ये चोर बार बार मेरे घर में घुसते हैं। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, मैं जांच करना चाहती हूँ। तुम सब मेरे साथ आओ। आओ, तू संभल के चलना। रुको, तुम लोग यहीं रहोगे जब तक मैं किडनैपर्स नहीं ढूंढ लेती। लेकिन हम नहीं रह सकते, क्रिसमस आने ही वाला है। हमें सांता को ढूंढना है और बच्चों को गिफ्ट्स देने हैं। वो यही तो कर रही है बेवकूफ। टीना, तू किसे बेवकूफ बोल रही है? ले ये। हे, अपनी आईसी ट्रिक्स अपने पास रखो, तुम जलपरी से नहीं जीत सकती हो। सच में? फिर और बर्फ लो। एल्सा, बस करो। बस, मेरे घर को बर्बाद करना बंद करो तुम लोग, ये जांच का समय है। हाँ, चलो इस नोट को पढ़ते हैं। हाँ, सांता किडनैप है, ये ग्रिंच है। ग्रिंच फिर से क्रिसमस खराब करना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर ग्रिंच वाकई यहीं पर है तो जरूर वो हमारे बीच ही होगा। तुम लोग यहीं रहोगे जब तक मैं किडनैपर्स नहीं ढूंढ लेती। एल्स, तुम ये बताओ कि तुम घर में कैसे टकराई? अरे नहीं, ये तो हिरन लगता है। रेंडियर्स अच्छे होते हैं। मैं समझ लूंगी। मेरी बात सुनो, तुम और तुम मेरे साथ आओ जांच के लिए, और बाकी सब लोग यहाँ पर शांत रहेंगे, समझे? तो अब चलो। एल्सा, तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है। बस करो, हमारे पास जरूरी काम है। हाँ तो एल्स, तुम ये बताओ कि तुम घर में कैसे टकराई? ठीक है, मैं बताती हूँ। बर्फीले तूफान के बीच उड़ते हुए और फिर मैंने इस पापी सर्दी को रोक दिया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो अपना वर्जन बताओ। ठीक है, तो ऐसे हुआ था।
हमें बहुत मजा आ रहा था। हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे और फिर ओहो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए जाग चुका है जानिमा। सांता, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हे, तुम क्या बोल रही हो? सांता ने तुम्हें किस नहीं किया? ये मेरी कहानी है, मैं चाहे जैसे बताओ इसे। चुप रहो तुम, तुम्हारी दोनों कहानियाँ यकीन करने लायक नहीं है। अन्ना झूठ बोल रही है। नहीं एल्सा, तुम दोनों पर नजर रखूंगी और ना कुछ पूछूंगी। ठीक है, अभी मैंने अन्ना और एल्सा से बात की है और कहानी जानी, अब तुम अपनी कहानी बताओ। वाह, मैं तैयार हूँ अपनी कहानी सुनाने के लिए। अरे रुको, सांता का हेल्पर मैं हूँ, तुम नहीं हो। इसे बारी बारी करते हैं। टीना, तुम घर में कैसे टकराई? ओह मैन, ये सच में बहुत अजीब था। हम अपने जादुई समुद्री स्लेज पर समुद्र को पार कर रहे थे। जलपरी की कहानियों के साथ क्या बात है? सांता की गाड़ी पानी में नहीं जा सकती। मैं तुम्हें असली सच बताती हूँ। मैं और मेरे पसंदीदा सांता दुनिया भर के बच्चों के लिए क्रिसमस का जोश फैला रहे थे। दूसरे लोग बुरे काम कर रहे थे। झूठ बोलना बंद करो, तुम ही तो एल्फ हो, हम नहीं। और सांता कब से तुम्हारा फेवरेट हो गया है? ओह बख्श दो, तुम जेलस हो रहे हो। ठीक है, अब तो तुम्हारा बुरा होना बाकी है। बचाओ, बचाओ! मैं तंग आ चुकी हूँ इन लोगों से, पूरी तरह से उलझा दिया है मुझे। स्टोन पेपर सीजर। हमारे साथ गड़बड़ मत करो, हम ये डिबेट कर रहे हैं कि किसकी कहानी सबसे सही है। बात खत्म हो गई है, सब झूठे हो। हम है क्रिस और जैक, हिरन को देखा और हमने कुछ भी नहीं देखा। और मैं तो सिर्फ एक लॉयर के सामने ही अपना बयान दूंगा, समझ गए क्या चुइया? हाँ। या फिर अभी काम करते हैं, एनिमल कंट्रोल को बुलाते हैं कि नहीं? पागल है। ठीक है। हेलो मॉम। हाय स्वीटहार्ट, कैसा चल रहा है? कोई घर में आया हुआ है क्या? सब ठीक है। अपनी पीछे से शोर कैसा आ रहा है? बस एक मूवी देख रही थी तभी। ठीक है। हमें अकेला छोड़कर आने के लिए बेटा हम माफी चाहते हैं। मैं और पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं भी बहुत मजे कर रही हूँ, आप भी मजे करो। ठीक है, लव यू स्वीटहार्ट। ओके बाय, अब वापस काम पे लगते हैं। ठीक है, अब तो तुम्हारा बुरा होना बाकी है। ओह बख्श दो, तुम जेलस हो रहे हो। हम ये डिबेट कर रहे हैं कि किसकी कहानी सबसे सही है। सभी ग्रिंच मूवी को देख लिया मैंने, अब इस अपराधी को जल्दी पकड़ूंगी मैं, ये अब मुझसे बच नहीं पाएगा। ए, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। गिफ्ट्स बदल रहे हो ना? नहीं, बस थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम कितने प्यारे हिरन हो, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। ठीक है, छिपे हुए जानवर, अब मैं छिपे हुए ग्रिंच को पकड़ूंगी। क्या? लेकिन कैसे? मैंने उनकी खासियत लिख ली है और मेरे पास पूरी लिस्ट है, अब इसकी सहायता से मैं उसे बहुत आसानी से पकड़ सकती हूँ। तुम बेवकूफ हो, मुझे ये नियम बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे घर जाना है अभी क्या अभी। चुप रहना। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, ग्रिंच का चेहरा चिड़चिड़ा होता है, जल्दी पता करेंगे कि संता को किसने उठाया। अरे हाँ, पकड़ लिया। मैं? कितना बेतुका बकवास है ये। तुम चिड़चिड़ा चेहरा क्यों बना रही हो, बोलो जवाब दो। दीदी, क्या तुम ग्रिंच हो? अन्ना, सचमुच मैं ऐसा हूँ, ना कि ग्रिंच हूँ। वापस जाने के लिए देर हो गई है, तुम गिरफ्तार हो। नहीं, ये एल्सा कहाँ चली गई? शायद वो चली गई क्योंकि वही ग्रिंच है। एक क्लू, मैंने एल्सा को उठा लिया है, ग्रिंच एल्सा को भी उठा लिया। तो फिर वो तो ग्रिंच नहीं हो सकती है। हमें सोचना होगा, अगर कोई हमें ये बता दे कि ग्रिंच कहाँ पर है। शायद तुम्हें पता है।
ओ, तुम कितने प्यारे हो, ये मैं तुमसे करवा लूँ। हाँ, तुम सब यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ कुछ पता करके। कितने बेवकूफ हैं ये, मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। हिरन जैक, तुम कितने अच्छे हो, ये लो अदरक वाली चाय पियो। हाँ, और तुम बहुत ही प्यारी हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑसम, यस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं बहुत खुश हुई। तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूँ क्या? अगर तुम चाहो तो मैं क्रिसमस के बाद तुम्हें अपने राजमहल ले जाऊंगी, जहाँ हम लोग पूरी लाइफ साथ रहेंगे, साथ में बढ़ेंगे। ज़ैक, ज़ैक, अबे क्या कर रहा है यार, हैना के साथ डेट चल रही है। जल्दी बाहर आ जाओ, किसी ने चोरी कर ली है हमारी गाड़ी। ओह, स्ले, ये क्या हो गया? अगर सेंटा अपने असली स्ले पर आ गए तो हम तो गए समझो। तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें किस करने की कोशिश कर रही हूँ। एक मिनट रुको आना, मैं आता हूँ। तो हम किस करने वाले हैं या नहीं? ओह जैक, तुम में से प्याज की बदबू आ रही है, तुमने ऐसा क्या कहा था? अरे तुम तो जैक नहीं हो। क्या, मैं जैक ही हूँ, बस ऐसा समझ लो कि थोड़ा हरा हो गया हूँ, बस हो के। अरे मुझे लगा तुम वो दूसरे वाले हिरन हो, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। वैसे तुम दोनों ही बहुत क्यूट हो। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, डेट के पहले प्याज नहीं खाते, वरना किस करने जाओ तो बदबू आती है। फिर मिलेंगे अन्ना, बाय, आता हूँ फिर कभी। लव यू प्यारे जैक। तो ऐसे में मैं कैसे समझूं? अन्ना, तुम मदद कर सकती हो क्या? ला ला। आओ मेरे साथ बैठकर चाय पियो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। हाँ? ओहो, तुम इतनी सब्जियां क्यों खिलाती हो? मैंने तो नहीं खाई, शायद तुम इमेजिन कर रही हो। ग्रिंच को प्याज पसंद है? ओहो, ए लड़की, तुम पकड़ी गई हो, ग्रिंच कहेंगे। तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ लिखा है ग्रिंच को प्याज पसंद है, और तुम्हारे पास से प्याज की बदबू आ रही है। ये मैं नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने उसे भी उठा लिया। ओ माय गॉड, क्या हुआ? ग्रिंच ने अन्ना को भी उठा लिया है, और मुझे लगा था कि वो ग्रिंच है, तो मैं उसे गिरफ्तार कर रही थी। अरे स्वीटी, शांत हो जाओ, तुम्हें एना पर शक क्यों हुआ? उसके पास से प्याज की महक आ रही थी, और लिखा था ग्रिंच को प्याज पसंद है। ग्रिंच इस हिरण को भी ले जाएगा, ये कितना प्यारा है ना दोस्तों। ठीक है, तो फिर चलो काम पर लग जाते हैं, क्रिसमस अभी आने वाली है और सेंटा का तो पता ही नहीं है, और लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। मानो तुम में से कौन है ग्रिंच, बताओ कौन है? मैं नहीं हूँ। अरे मुझे मालूम है भाई, तू तो रेनडियर है, ग्रिंच थोड़ी है। मैं वादा करती हूँ, जो कुछ कर पाऊंगी जरूर करूंगी, मिशन को पूरा करूंगी, देखना तुम लोग। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम सुपर टैलेंटेड हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तुम भी जाओ यहाँ से, क्या चबा रहे हो इतनी देर से? मुझे जाने दो, जाने दो। मुझे जाने दो। ये क्या मस्ती है, टीना को उल्टी हो जाएगी। हम खेल नहीं रहे, हम इसे गिफ्ट में रैप करके सिंडी को दे रहे हैं। और इसे रिबन से बांध देंगे। तुम लोग वाकई हिरण हो, तुम मेरी त्वचा को बर्बाद कर दोगे। बहुत बढ़िया, चलो अभी से क्रिसमस ट्री के नीचे रखते हैं। बस करो, तुम सिंडी को एक जलपरी नहीं दे सकते। हाँ, दे सकते, कर सकते हैं, लड़कियों को मरमेट बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग, कभी ध्यान नहीं दिया, जैक और क्रिस जुड़ा है, और वो बिल्कुल भी आपस में मिलते नहीं हैं, और क्रिस कुछ हरा भी है। हे भगवान,
क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? ओ कुया है, मैं दरवाजा खोलूंगा। नहीं, मैं उसे खोलूंगा, रुक जाओ। मैं बदला ले लूंगी और तुम्हें पछतावा होगा। उन पे नजर रखनी चाहिए, उनमें से कोई हिरण जरूर ग्रिंच है। वो हिरण कहाँ है? यहाँ क्या हो रहा है? हम यहाँ क्रिसमस की कुकीज बेच रहे हैं, क्या आपको चाहिए? हम कुछ नहीं खरीदेंगे, चलो निकलो यहाँ से। आ जाओ भाई, कुछ तो खरीदो तुम लोग यार। अरे तुमने एल्फ के कपड़े क्यों पहने यार? मजाक कर रहे हो, मैं एल्फ हूँ। इजी इजी हैरी, मुझे पता है तुम्हें एल्फ पसंद है। वैसे हम लोग भी रेनडियर हैं, जो कि एक जैसे दिखते हैं। तुम हिरण हो? क्या बात कर रहे हो, सच में? प्यारा हिरण, प्यारे बच्चे। अरे बहुत ही प्यारे। ये देखो तो, क्या तुम एक लिटिल गिफ्ट हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। वाओ। हे, रुको, बस करो अब। ठीक है, बच्चों से नफरत इस लिस्ट में शामिल है। हाँ, अब पता चल जाएगा असली ग्रिंच है कौन। तुम्हारी चीखों से मेरा दिमाग घूम जाएगा, घर चलो। हे, और कुकीज का क्या हुआ? इन्होंने तो मेरे दिमाग का पाव भाजी कर दिया है। चलो सारे के सारे निकल जाओ यहाँ से। अरे ईवा इतने गुस्से में क्यों है? वो तो सेंटा क्लॉस की हेल्पर है ना? फिर भी बच्चों से नफरत? अरे पर कुछ पैसे तो दे दो, कुछ खरीद लूंगा मैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सेंटा बाद में तुम लोगों को पेड़ के नीचे मिलेगा। मुझे नफरत है इन बच्चों से। ओ नहीं, उन्होंने कह दिया उन्हें नफरत है। ओ नहीं, बेकार बेकार बेकार। बस करो, वो मुझे क्रिसमस के पेड़ के नीचे रखना चाहते थे। ए, खुश हो जाओ, तुम्हें पैकेट से बाहर कर दिया। बहुत बकवास मजाक था बेवकूफ। रुको, हम असली शरारती को पकड़ने आए हैं, अब वो हमसे नहीं बच पाएगा। ईवा, तुम पकड़ी गई। क्या? मैं ही क्यों? मैं ग्रिंच नहीं हो सकती, मैं सेंटा की हेल्पर हूँ। मेरी लिस्ट में लिखा है ग्रिंच को बच्चों से नफरत है, और तुमने अभी अभी कहा मुझे नफरत है। तो क्या, क्या मुझे उन्हें प्यार करना चाहिए? हाँ। मुझे किसी को भी कोई चीज नहीं देनी पड़ेगी, समझ गए? वहीं रहो, तुम गिरफ्तार हो चुकी हो। ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं सेंटा की फेवरेट हूँ। सबको शांति। ओ नहीं, मैंने ईवा को भी पकड़ लिया है। क्या हो, क्या हो अगर वो हमें किडनैप कर लेगा? जितना जल्दी हो उसे ढूंढना होगा हमें। क्या ईवा ग्रिंच नहीं है? मेरा डिटेक्टिव तो फिर बहुत ही खराब है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, तुम बहुत शानदार हो और तुम इसका पता पक्का लगा लोगी। मैं नहीं चाहती ग्रिंच दुनिया के सभी बच्चों का बचपन बर्बाद कर दे। उम्मीद करता हूँ कि ये केस जल्दी सॉल्व कर ले, मुझे किडनैप नहीं होना है। ठीक है, अब बस एक ही चीज बाकी है, वो मछली की बदबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल करता है। ओफो, कितना बेकार है। ये तो यहीं कहीं है। अरे कहाँ है तू? ये बदबू यहीं कहीं है। हाँ, ये बदबू तो बेडरूम से आ रही है। क्रिसमस जल्दी आनी चाहिए, मैं बच्चों को मछलियों का तोहफा दूंगी। ये तो यहाँ पर है। ये क्या है, ऐसे डराओ मत। तो आखिरी पॉइंट ये है कि ग्रिंच को गंदी मछली की बदबू वाला परफ्यूम बहुत पसंद है। तो क्या? माफ करना, लेकिन ये बदबू तुम तक लेकर आई है। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सब गायब हो जाते हैं जिन पर तुम शक करती हो। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम ही ग्रिंच हो। हाँ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर?
उसने कहा कि मैं ग्रिंच हूँ क्योंकि मुझसे गंदी मछली की बदबू आती है। तुम्हारे पास तो बदबू है, तो बताओ इसे कैसे समझाओगी? मैंने बस पैर नहीं धोए थे। ओ, मेरा मतलब है मेरी पूंछ। तुम जानते हो जब मछली धोती नहीं है तो बदबू आ जाती है उस पर से। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम गिरफ्तार हो। कम से कम बाथटब में एक आखिरी बार डुबकी ले लेने दो। मुझे स्विमिंग पसंद है और जेल में पानी नहीं होता है। ओए, रोना बंद करो, जल्दी करो तुम। टीना कहाँ पर है? उसे गिरफ्तार करना है। क्या हो अगर वो भी गायब हो गई? फिर हम लोग भी किडनैप हो जाएंगे। भाई हम भी किडनैप हो जाएंगे। चिल करो यार। टीना को गिरफ्तार किया जाएगा, समझ गया ना? सांता वापस आ जाएगा। ए, बाहर आओ ना। कोई जवाब नहीं। जरा अंदर तो झांको, तुम भी तो एक लड़की हो, शायद उसके साथ कुछ हो गया हो। अरे वो गई हुई है। चलो अब हमें मान लेना चाहिए कि यही सच है, कि हम भी गए, हम नहीं बचेंगे। अब हम गए, हम भी किडनैप होने वाले हैं। बता दो भाई क्या प्लान है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर हम दोनों ट्विन्स हैं तो फिर तू हरा क्यों है यार, और मैं नहीं हूँ? मैं सिर्फ मेकअप करता हूँ, बस ऐसी थोड़ी बदली पप होती। झूठ बोलना बंद कर, ये कोई मेकअप नहीं है, असली रंग है। तो सभी पॉइंट्स को तो अच्छे से देख लिया है मैंने, तो अब नहीं, ये तो बचा ही रह गया। उसके पास हरा रंग होगा। इसका मतलब वो तुम हो। देखो क्रिस, इसकी खाल हरी है। हे भगवान, बताना भाई ये जो बोल रही है सच है क्या? इतने सालों से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहा था। इसी तरीके से तुझे उल्लू बनाया मैंने। शांत हो जाओ बदतमीज। कभी नहीं, मैंने लगभग सभी को पकड़ लिया है। क्रिसमस बर्बाद है और पूरी दुनिया के बच्चे अब निराश हो जाएंगे, वो भी मेरी वजह से। हमें उसको रोकना ही होगा। क्रिंच, अपना चेहरा दिखाओ, हम नहीं डरते हैं तुमसे। हाँ हम नहीं डरते हैं। अरे कहाँ भाग रही है? रुक जा, तू भूल गई हमें इसे पकड़ना है। डरावना है, उसे पकड़ो। सिंडी, तुम बहुत ही होनहार लड़की हो, तुमने केस को क्रैक किया है, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते यार। यहाँ मैं तुझे अपनी गुफा दिखाऊंगा, आजा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। सिंडी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुमने अपना सीक्रेट ऑफिस मेरे बेसमेंट में सेट किया ना, वहाँ मेरे पापा ग्रैब करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको तुम। देखो प्यारा सेंटा यहाँ है। इसने हम सभी को यहाँ बंद कर दिया है, हमें आजाद करो सिंडी, वरना क्रिसमस को बाय बाय कह देना। नहीं, मैं उन्हें बंद रखूंगा अभी। नहीं करोगे तुम? तुम सोच रहे थे मैं बेवकूफ हूँ? मैं डिटेक्टिव हूँ। कुछ नहीं कर पाएगा ये। तू ये क्या कर रही है? मैंने तुझे अपना भाई माना था, रुक जा तेरी। और तुमने यही मांगा था। इसको जेल में बंद कर दिया जाए, ऐसे सजा की जरूरत है? सांता प्लीज, अब हिरन की ड्यूटी मुझे मत देना प्लीज, माफ कर दे, बर्बाद हो जाऊंगा नहीं तो मैं। तुझे तो छोड़ने नहीं वाले। सच में ग्रिंच का पता लगाना बहुत मुश्किल था, और तुम लोगों ने तो मुझे पहले ही हरा दिया था। लेकिन तुम लोगों में ग्रिंच की पॉइंट मिले कैसे आखिर? मुझे ये समझ ही नहीं आया। तुम्हें लगा कि मैं दोषी हूँ क्योंकि मेरा चेहरा उदास था? मैं बस नाराज थी क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। एल्सा शांत हो जाओ, वरना बर्फ गिरेगी। हाँ, मैंने एल्सा के साथ बुरा किया था, पर तुम्हारे साथ और अन्ना के पास प्याज की खुशबू क्यों? वो मैंने जैक को किस किया, उसने प्याज खाए थे। क्या? अबे मैंने तुझे किस नहीं किया, और मुझे तो प्याज पसंद ही नहीं है। वो तो मैं था। ये कितना अजीब था, मैंने तुम लोगों को मिक्स कर दिया। और तुम टीना, तुम्हारे पास से गंदी मछली की बदबू क्यों आ रही थी? मैंने कहा था मुझे शावल लेना है, मैं एक मछली हूँ बेवकूफ, तुम्हें पता होना चाहिए था। छोड़ो ना, तुम तो पूरे टाइम कंफ्यूज ही थी ईवा। कोई एल्फ बच्चों से नफरत कैसे कर सकती है?
मैंने एक बच्चे को उपहार दिया था और उसने मेरी उंगली में काट लिया और उस दिन से मुझे नफरत है। हाँ? मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल। फिर भी सेंटा के लिए काम क्यों करते हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो। मैं बस बहुत हुआ, क्रिसमस आ चुका है। सैंडी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्रिसमस को बचाने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं इन सब का हिस्सा नहीं था। चलो मैं इस ले चलाता हूँ। रुको, हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे, सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं। फिर वो बच्चे अपने गिफ्ट कैसे लेंगे? चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने एल्व्स को बुला लिया है, वो सब कुछ कर देंगे। हुर्रे! हुर्रे! वैसे बताइए कि ग्रिंच का क्या होगा? अरे इसको तो हम खास सजा देंगे, रेंडियर का रूप रखने के लिए और हमारा हॉलिडे तबाह करने के लिए। क्या कर रहे तू? चलो अब तो तुम रेंडियर नहीं हो, अब तुम खींची के टुकड़े हो। हम सभी क्रिसमस मना रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में बंद हूँ और पार्टी कर रही हूँ और चोर भी नहीं है। सैंडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी डिटेक्टिव गिरी की मदद से ही सारा पर्दाफाश हो पाया। इतनी खुशी है कि तुम सब यहाँ आए, मेरे क्लासमेट्स कभी नहीं मानेंगे। सांता के हेल्पर के बारे में ये मत बताना कि वो तुम्हारे पास आए थे। नहीं, उन्हें बता दो, बस ये कहो कि एल्सा क्रिसमस के लिए मेरे घर आई थी। हाँ, उन्हें चलने दो। ग्रिंच के बारे में? चलो उसे माफ कर देते हैं हम लोग। दुखी आदमी त्योहार नहीं मना सकता ना, और शायद उसे कोई उपहार भी ना मिला हो। धन्यवाद। ओहो, मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। मुझे तो बल्कि थोड़ा प्यार भी हो गया है। अब तुम मेरा नया प्यार हो, ठीक है? प्यास खाना छोड़ दो बस। सांता के हेल्पर के बारे में ये मत बताना कि वो तुम्हारे पास आए थे। आधी रात हो गई, सुना ना सपने? मैरी क्रिसमस! क्या सुबह हो गई? मेरी क्रिसमस! माँ और पापा वापस आ गए आप लोग? हम कहाँ जाते, हम तो यहीं पर थे। और क्या, आप लोग घूमने गए थे और पीछे मुझे अकेला छोड़ गए थे। कैसी बातें कर रही हो, सपना देख रही होगी तुम और कुछ नहीं। सपना? हाँ? सांता गायब हो गया और वो ग्रिंच भी। मेरी स्वीट हार्ट, ऐसे जादुई सपने हमेशा क्रिसमस पर ही होते हैं। अगर तुम्हें पूरा भरोसा है तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, देखना। हाँ, मुझे भी लगता है। जल्दी से इसे खोल कर देखते हैं। हाँ, मरमेड गुड़िया। हाँ, एल्सा का साथी। हाँ, ये भी जाना पहचाना है। ये तो ग्रिंच का है, इसका मतलब वो लोग सच में आए थे यहाँ पर। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, बहुत पसंद आया। हो सकता है ये सपना हो ही ना। अरे बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? सैंटा, एल्सा, जलपरी, हो सकता है ऐसा हो ही ना, मैंने कैसे यकीन कर लिया। ये क्या? Merry Christmas, Cindy! हम फिर मिलेंगे। आपका धन्यवाद सैंटा। सिंडी बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम ये किसे हाथ हिला रही थी? सैंटा ने कहा है वो जल्दी से वापस फिर आएंगे। सैंटा बिल्कुल आएगा बेटा, सैंटा के बिना क्रिसमस पूरा होता है क्या? अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। क्या? मैंने कहा कि अच्छा लगा तुम लोग यहाँ हो, ना कि बचा लिया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। चलकर देखते हैं कि सांता ने हमारे लिए पेड़ के नीचे क्या छोड़ा है। और साथ में एप्पल पाई का मजा मिलेंगे। सभी को मैरी क्रिसमस।
संदर्भ में दोस्तों हमने ये निर्णय लिया है कि हम आपस में छोटे छोटे उपहार एक्सचेंज करेंगे जो कि इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें याद दिलाते हैं कि इस व्यक्ति ने कैसे उपहारों को देने की प्रथा चलाई होगी। ओके, तुम्हें जो कुछ भी बताया हम सबको बताओ ना। अरे बस थोड़ी ठंड खाओ यार। अरे इन हाथों के साथ क्या है भाई, लगता है इसमें मेरे लिए कोई तोहफा है छुपा हुआ। क्या है मुझे छोड़ देना भाई, इसमें हमारे पास हाथियां तो जला लो क्या फिर क्या है बता। चलो कल तो नहीं है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सावधान होना चाहिए यार, किसी को पकड़ना है मुझे, प्लीज देखना मत यार, ठीक है। पीछे हट जाओ, हटा यार इसे पीछे, देखना मत तू भी, यहाँ देखना मत, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्या लगता है। तो बताओ किसका नाम आया फिर, मैं बता रहा हूँ कौन सा अक्षर। ठीक है बताओ। देखो देखो मैं आगे जाऊंगा। चलो अब बताओ, देखते हैं कौन है, तो फिर चलते हैं। मैं ऊपर हूँ, मैं ऊपर हूँ। तो ए डॉनी आंखें बंद करो। मैं हिल गई हूँ, मैं खुश हूँ। चलो आज चुप रहिए। मैं हिल गई हूँ और खुश हूँ, दोनों भावनाएं। ओह गॉड, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं अगर तुम लोग इसे देख लोगे ना तो खुशी के मारे हिल जाओगे। टीना अब तुम्हारी बारी है। हाँ यार मैं बस खींच रही हूँ, खोलते हैं। मुझे यही चाहिए था, बहुत बढ़िया। लाओ देखते हैं मेरे बारे में क्या है। ओके वाओ, मेरे बारे में तो बहुत अच्छा लिखा है। देखते हैं कौन है मेरा सीक्रेट सांता। वाओ कूल इंसान मिला है मुझे। अब अगले व्लॉग में देखते हैं कि कौन होगा। सी या। मुझे पता है क्या गिफ्ट है। ठीक है। क्या बात है, कमाल का गिफ्ट मिलने वाला है, मजा आएगा देखना। तो चलो अब आप सब हमारे साथ चलो, देखते हैं सबको क्या मिला है। हाँ, तो हमने सीक्रेट सांता खेलने का फैसला किया है। जैसा कि आप जानते थे कि हमने कागज के टुकड़े निकाले थे और अब हम चेक करेंगे कि किसने किसके लिए क्या प्राप्त किया है। देखो बात इतनी सी है, हमने अपने सारे उपहारों को क्रिसमस के पेड़ के नीचे छिपा दिया है और सभी लोग आएंगे शानदार बड़ी कुर्सी पे, वहाँ पे बैठेंगे और फिर एक एक उपहार उठाएंगे और खोल के देखेंगे कि इसमें क्या है। तो ये देख लो कि कौन कौन पहले है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि मेरा छोटा पैकेज कहाँ है। क्या ये है यार, मदद करो, ऐसे ही बैठे मत रहो। अरे अरे इसे कुछ तो मस्त मिला होगा। ये मिल गया, हर बार मिल गया। अरे है क्या उसमें, डर लग रहा है मुझे खोलते हुए। पर गिफ्ट खोलने से पहले मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि मेरा ये गिफ्ट कहाँ से आया होगा। और आप सबको मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। फुटेज कम खा थोड़ा। कोई है वहाँ, क्या हो सकता है, एक थैला या थैले में कुछ, एक बैग। थैले में तो तुम बताओ किसने दिया होगा। अरे भाई मुझे कैसे पता होगा कि इसके अंदर क्या है, पहले तो वहाँ की जांच करनी होगी। इतना बोलती हो, क्या है उसमें। ठीक है मैं बढ़िया। और क्या है उसमें। यार ये एक माफिया गेम। कूल। अगर खास चीजों की बात नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जस्ट चेकिंग, सब ठीक है यार। अरे ये देखो क्या है इसमें। रुको तो सही, ये क्या है, ये क्या है, डब्बे में डब्बा, ब्लूटूथ स्पीकर लग रहा है। ये असल में मंचिन टाइप है, लाइक इट्स स्ट्रेस रिलीफ। बहुत बढ़िया।
और अब तो हमें आइडिया भी लग गया होगा। कैसे? काफी लोग सोचते हैं कि मैं बबल गम बहुत पसंद है और माफिया माफिया खेलना भी काफी पसंद है क्या? मुझे मिठाई काफी ज्यादा पसंद है। और कैंडी स्नैकिंग? तो चलो गेस करो। ओके राइट नाउ। बस पैकेट मत फाड़ना। हाँ वही है। हाँ सोचने दो मुझे जरा। चलो क्रिस्टी। तो ये पहली कोशिश। क्या बोल रही हो? रियल है क्या? वाह! अब जानते हैं कि मैं इतनी झेलनी क्यों हूँ। बहुत बधाई हो तुम्हारे लिए। और चलो अभी टाइम वेस्ट ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिखाओ कि आगे गिफ्ट में क्या है, हमें भी देखना है। हाँ चलो देखते हैं। मिया सच में बहुत ही मेहनती लड़की है। हालांकि काम का तनाव बहुत ज्यादा होता है तो हमें उसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ता है, चाहे वो माता पिता पर हो या फिर इस बोल पर। तो ये खेल उसको आराम देगा और एक अच्छा माहौल बनाए रखेगा। और एक बात, जब भी कभी हम चैनल पर आने में देर करते हैं तो मिया हमेशा कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तब हमारे पास एक परफेक्ट जवाब होगा कि हम कहेंगे कि मिया हम तुम्हारा ये खेल खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मिया भी हमारे साथ उस गेम में जुड़ेगी और हम सभी मिलकर एक साथ बहुत बड़े क्रू मेंबर का निर्माण करेंगे और मिलकर इस इतने बड़े बोर्ड गेम को खेलेंगे जिसको हम बहुत लंबे समय से मिस कर रहे थे। बहुत बढ़िया। हाँ सुपर आइडिया है, थैंक्स। और अब मुझे अपना वाला गिफ्ट ढूंढना है। मेरा गिफ्ट कहाँ गया? क्या उसे लाना भूल गए? मेरा गिफ्ट कहाँ गया? लगता है यहाँ पर है ही नहीं, या तो भूल गए या फिर उसे कोई चुरा ले गया। चुराया होगा क्या? तुमने मेरा तोहफा चुराया? जो भी है रख ले यार, खुशी के पास ही तो तुम्हें खुराक देनी पड़ेगी। चुप रहे यार दादा। तुम बताओ इसमें क्या होगा? अंदर का तो पता नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर कोई मुझे अच्छे से जानता है तो अंदर का सामान बहुत ही कूल होगा। जरूर कोई मिठाई होनी चाहिए और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। शायद मुझे अंदाजा है कि ये सब मेरे लिए किसने किया है। इसमें सेंटा भी है। बहुत शानदार, हमारे बालों के लिए बढ़िया है। और क्या हो सकता है इसमें? चलो इसमें देखते हैं कुछ और भी है। देखो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चीज है ये। अब मुझे तुम लोगों पर नजर रखने के लिए दुआ की और मिल रही है। नहीं, ये हिरण की आंखों वाला सोने का पट्टा बहुत ही खूबसूरत है। ये सचमुच में बहुत ही सुंदर है जो कि मुझे हिरण बता रहा है। सुपर डॉन, क्या मुझे पता चल गया है कि मुझे गिफ्ट किसने दिया है? ग्रिंच? नहीं। क्या आप सब मेरी मदद करेंगे ये पता लगाने में कि आखिर ये गिफ्ट मुझे किसने दिया है? हाँ ठीक है, अब मैं अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करूंगी। आपरा कडाबरा आल तू जलाल तू आई भला को डाल तू पित देव संरक्षणम खुल जा सेम सेम। और नाम आ गया है, नाम आ गया है और वो है टीना। चलो वो जादू शब्द बोलो। लगता है मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई, तो वो है ईवा। नहीं फिर गलत बताया। मेरी नजर कुछ कमजोर हो गई है, जैसे तो फिर सिंडी। अरे हैरी को देखो ना, हैरी की चालाक नजर हैरी जानता है। मैं बताऊंगा नहीं। मिया नहीं, ये तो फिर कोई सीक्रेट सांता ही है जिसने मुझे तोहफा दिया है। अब इस बात का पता तो हम थोड़ी देर के बाद ही लगा पाएंगे। आप सब हमारा ब्लॉग जरूर देखते रहिएगा क्योंकि हमें उपहार के राज का भी तो पता लगाना है। अच्छा तो के तो अगला बनाएगा? मैं ट्राई करूं क्या? अरे कोशिश तो करो यार। अरे लेकिन कौन सा वाला गिफ्ट है? इसमें से इतने सारे गिफ्ट पड़े हैं यहाँ पे। लगता है जिसने गिफ्ट दिए वो तो या तो टोपी पहना रहा है या फिर टोपी के अंदर गिफ्ट दे रहा है। तुम लोग को क्यों लगता है कि मैं ज्यादा खाता हूँ? बताओ टिफिन गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, बंदर है, देखो लंच बॉक्स सेट ओपे।
मुझे तो ये पहले से ही पता है कि उन्होंने तुम्हें ये मग क्यों दिया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना खाओ जम के और फिर बर्तन धो। और उपहार भी होंगे देखो। और देखते हैं इसमें और भी कुछ है। नकली बिस्लेरी। तो देखो मैं तो ज्यादा कुछ समझा नहीं, इतना ही समझ में आ रहा है कि जम के खाओ और जब भी प्यास लगे तो नकली बिस्लेरी है। क्या लगता है तुमको किसने दिया होगा तुम्हें, मतलब कौन दे सकता है तुमको ये, गेस करो। अरे बहुत सोच समझ के इन लोग गिफ्ट दे रहे हैं मुझे। रचनात्मक। अब मुझे गिफ्ट मिला है तो मैं इस टोपी को पहन लेता हूँ। और हाँ। क्या करूँगा इस टोपी का, देखो क्या मस्त लग रहा हूँ ना। बहुत लोगों को लगता है टोपी बहुत ज्यादा पसंद आई है, लाल टोपी। मैं बोलूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ऐसा गिफ्ट मिला है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन दिया, क्या सोच के दिया, और ये ऊपर से नकली बिस्लेरी। अरे खोल के पी के तो बताओ बिस्लेरी है भी नहीं। अरे भाई दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं वैसे भी ज्यादा पानी पीता नहीं हूँ, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता हूँ। हाँ पानी पीता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच यार भाई, जिसने भी दिया मुझे दोनों गिफ्ट है, पानी की बोतल और ये टिफिन, बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये दोनों गिफ्ट पाके। हाँ तो दो शब्द बोलिए। अरे ठीक है मेरी बारी है तो इना मीना डी का सब्जी बनाया भिंडी का, क्या बोलू कैसा गिफ्ट दे दिया तुम लोग। ठीक है ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से वो खिटी है। नहीं मजाक कर रहा था, सही बताऊँ तो ये तू था है कि नहीं नेट। चलो ट्राई करो, लास्ट वन है क्रिस। क्या बोलू यार ये क्या गिफ्ट है ये, सबको एक्सप्लेन करो तुम। ठीक है तो क्यों दिया ये, एक लोकल जोक है, प्रशंसक इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पास हैरी शूट के दौरान अक्सर ऐसे क्षण होते थे जिसका सभी को इंतजार होता था, अपने लंच बॉक्स धोने में टाइम बिताते थे, तो मैंने खासकर एक काम के लिए लंच बॉक्स और एक मोबाइल धोने का स्टेशन प्रेजेंट देने के तौर पे सोचा था कि स्पंज के साथ आकर्षक हो सके, ऐसे धो सके। टोपी दे दो तो टोपी भी एक उपहार हो जाता है यार। वाह यार क्या बात, लेकिन ये काफी अच्छा गिफ्ट है। ठीक है बिल्कुल, क्या बोलूं मैं अब, पानी भरा धन्यवाद। और इसे तो अभी पीऊंगा मैं, ये धोने के लिए। क्या हुआ? अरे तो तुम ही लोग बताओ ना मैं क्या क्या संभालूंगा, एक तो इतनी बड़ी टोपी दे दियो तुम लोग, वैसे और टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, भाई कसम से मेरे पास अब पांच पांच टिफिन बॉक्स हो गए, पांच पांच। अरे अरे मैं छोटा बच्चा दिख रहा हूँ क्या, लेकिन ये काफी अच्छा गिफ्ट दिया है तुमने। देखो यार बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पांच थे और अब मैं दो और खरीद लूंगा, फिर सात हो जाएंगे और सातों दिन के लिए मेरे पास अलग अलग टिफिन। ओके ठीक है फिर। अरे बिल्कुल काम आएगा, और ये टोपी तो सबसे ज्यादा काम आएगी। हाँ ये तुम्हारे काम आएगा यार, जो है जैसा भी गिफ्ट है, मजा आ गया बहुत शानदार। यहाँ एक पूछ है, पहले देख लिया था मैंने, मैंने कहा मेगा नहीं इट्स कूल। अरे मैं पकड़ सकता हूँ, ये देखो क्या मिला है, अब तो गाड़ी चलाएगा। एक एसयूवी है, एक एसयूवी है, क्या मैं इसे खोलना चाहिए ये बताओ तुम क्या सोचते हो। मैं दिखाऊंगा ही नहीं तो दिखा, लाओ इसे खोल के दिखाता हूँ फिर पता चले क्या हुआ। नहीं खुल रहा है क्या, $100 ना निकल के गिर पड़े उसमें से। सीक्रेट गिफ्ट, सीक्रेट गिफ्ट है, दाल लगा रहा हूँ। हाँ अब लपक ले। ठीक है चुप रहो, अरे से खोलो तो। अच्छा ठीक है आराम से खोलो, अबे फाड़ मत उसको। क्या पोर्श है, पोर्श है क्या, ये तो पोर्श है। पेट्रोल के पैसे तो है ना, सबको पता चल जाना चाहिए मेरे पास पोर्श कार का कलेक्शन मिल गया है मेरे पास, मैं समझ गया ना, देख लो सीरियसली बहुत सारे पोर्श के मॉडल मेरे पास, सारा कलेक्शन बन गया है बता रहा हूँ मैं। क्या बोलूं अब ये हमें कैसे पता होगा, पता ही नहीं। तो कौन हो सकता है जो मुझे बता सकता है, जो तेरी चड्डी का रंग भी जानता हो। हाँ। हाँ, और कई लोग कारों के बारे में जानते नहीं है क्योंकि हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की है, क्या ये आलमा है। मेरा फैन। तो अब वैसे तो सही है, बहुत ही कम लोग मुझे कम से जानते हैं कारों के बारे में, वाह 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 है कि नहीं, या तो मैं बताऊं कि कौन जानता है, या सिंडी कौन है।
या फिर हैरी। देखो मैंने कार गिफ्ट दी थी और इसने बिस्लेरी की नकली बोतल। कौन सा रेफरेंस, मैंने तो बहुत ही ट्राई किया था यार। अरे भाई तूने भी तो अजीब सा गिफ्ट दिया मुझे। नहीं ये शानदार है तुमको। अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। 10 रुपए की बोतल दे दी मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ 10 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है। यही चाहिए, कौन सी पानी की बोतल? अरे ₹10 की बोतल दे रहा, और मैंने इसे करोड़ों की कार दी थी गिफ्ट में। मैं एक पानी की बोतल में ही हॉट हो जाऊँ। पानी को एफर्ट तो देखो, इसमें बहुत मेहनत करी है मैंने। अरे ये क्या अच्छा था, कमेंट में वोट करवा लेना। गिफ्ट में तो है, बताओ ये भी पानी की बोतल के पीछे पड़ी। अरे साधारण सी बोतल है यार पानी की। अबे तू एक चीज तो भूल गया। चलो आगे लाओ, वे दस्ताने कहाँ गए? तो अब क्यों ना हमारी मेन एक्ट्रेस जो कि मैंने इसे कार दी और इसने मुझे बोतल दे दी। देर से खेल रहे हम लोग, थक गए, बंद करो यार। तू चू चबर मत कर। तो ये उस पॉर्श की कहानी, पॉर्श कैन चिकली काली सनरूफ के साथ, बहुत बढ़िया है। मैं कहानी मैं सुनाता हूँ। कार के बदले बंदे ने बोतल दे दी मुझे, और ये तो कुछ नहीं, मैं तो बड़ी हूँ। अरे पता है, सबसे पहले तो जब कार ले रहा था तो सबसे महंगी वाली कार ले रहा था मैं, ठीक है, पर वो मिली नहीं मुझे, तो मैंने छोटी वाली खरीद के दे दी इसे। तो मैं यहाँ हूँ गिफ्ट के लिए, ढूंढ रही हूँ और डॉनी कहता है, डॉनी डॉनी है, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं इसे पास कर दूंगी उसे। आप जल्दी करो, दिखाओ क्या है। एल्विश ये मेरा है। ये सच में ईवा है, देखो ये कितना सुंदर है। वाओ बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। मैरी क्रिसमस। मुझे लगता है इसमें कुछ मग है, मुझे समझ में तो नहीं होगी कि ऐसा मुझे क्यों लगता है। अबे अभी भी बोतल के बारे में बोल रहा है। हम सभी जानते हैं कि हैरी क्रिएटिविटी को नहीं समझता है, और वो कृतिक भी नहीं है। देखती हूँ इसमें क्या है। मेरे पास कुछ है। कोका कोला के साथ। वैसे बताइयो तुम्हें भी कुछ पीने वाला चीज मिला है? लेकिन मेरा मीठा है। अब देखो तुम जला रही हो यार मुझे। लेकिन मेरे पास गरम सॉक्स भी हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये किटी है। क्या? ऐसे मत देखो, मैंने कहा था कि मुझे कोको कोला बहुत पसंद है। तुम्हारी बारी किटी, क्या मुझे टीम से कोई काम है? बस पूछना है। बैठो, जल्दी बैठो। मेरा अपहार कहाँ पर है? पता नहीं क्या उठाएगी। हाँ चलो, ये तो मेरा गिफ्ट नहीं है, ये वाला भी नहीं लग रहा। कहाँ पर है मेरा गिफ्ट? ये वाला है क्या? इस पर लिखा है किटी। बड़ा टाइम लग गया ढूंढने में इसको। हाँ बड़े अच्छे से तुम लोगों ने छुपा के रखा था, एकदम अंदर घुसाया। क्या है इसमें? चॉकलेट। और ये क्या है? कुछ अजीब सी मिठाई है, रेनडियर्स बने हैं इसमें, और सांता क्लॉज भी है। कोका कोला है। ओके, मुझे मिठाई देखना पड़ेगा, कौन है यहाँ पर? कौन हो सकता है यहाँ पर जो मुझे मिठाई गिफ्ट करेगा? क्या वो टीना? नहीं। शायद तुम्हारे तोहफे में कुछ लिखा हो, जैसे वो सांता क्लॉज और वो रेनडियर भी। इसमें रेनडियर और सांता बने हैं। आप लोग गेट्स करो कि आपको क्या लगता है किसने मुझे दिया होगा ये गिफ्ट। कमेंट करना, मैं 3 सेकंड वेट करती हूँ। ओके कमेंट करना। ओके रेडी, 1 2 3। ये है नेट। थैंक यू वेरी मच। न्यू ईयर की बहुत बधाइयां हो, और क्रिसमस की भी। मेरी बारी। रुको नेट, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खोज में आ जाऊं? हां बिल्कुल। तो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। बढ़िया है। ये लो मेरा, ये सारे तुम्हारे हैं। वाओ स्वीट पैकेजिंग। मेरा गिफ्ट क्या मिला उसे? ओह मिल गया। ठीक है, अच्छा, इसे करते हैं। अरे यार पूरी तरह से चिपका रखा है। वाओ जरा देखो तो इसे, हॉट डॉग के अंदर क्रिसमस ट्री। वाओ वाला मुझे पहचानता है। हम सभी करते हैं यार। ओह क्रिसमस ट्री। मेरी बारी, एक के बाद तुम्हारी बारी। ओह
बढ़िया है। तो मेरे पास भी दूसरा तोहफा है। अच्छा ठीक ना, पकड़ना इसको। अच्छा तो ये क्या चीज है? किस तरह का बंदर? कमाल है, वाइसन है ये तो। ये तो मेरे क्रिसमस ट्री के साथ जचने वाला, सही बताऊं तो तुम लोगों को मजा आ गया। मेरी बारी, शुरू करो ना। क्या है? अरे वाह, चॉकलेट। जरा रुको एक मिनट। सच में मेरे पास भी कुछ मीठा है। ये लो, और भी है। अच्छा ठीक है। एंटी स्ट्रेस, हाँ, क्योंकि मुझे काफी स्ट्रेस हो जाता है। हाँ बढ़िया। ओ वाह, लिपस्टिक के लिए थैंक्स। भड़कीला मामला है। अच्छा गिफ्ट है। तब तो तुम हमें काफी मिस कर रही होगी। हाँ, मैं ब्लिंक को याद करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और क्या है, चलो देखते हैं। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, छोटा सा बॉल है। हुआ नहीं अभी तक। हाँ, चॉकलेट बॉल। शायद चॉकलेट बॉल है ना? अच्छा ठीक है टीना, मेरे पास एक आइडिया है। तुम गैस करो कि मेरा गिफ्ट किसने दिया और मैं तुम्हारा गैस करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि शायद मियाँ। अच्छा हो सकता है। नहीं तो फिर तुम्हारे बारे में सोच रही है। हो सकता है ना, भी हो सकता है। हो सकता है कि मियाँ ने मियाँ को गिफ्ट दिया हो। नहीं तो फिर कौन है? चलो दोस्तों देखते हैं कि क्या आप इसे सुलझा सकते हैं। कमेंट्स में लिखिए किसने किसको उपहार दिया है, बताइए। शायद वो कौन को कमेंट करेंगे। चलो गेम कंटिन्यू करते हैं, पहले वाला। सच में नहीं पता, शायद सिंडी। नहीं, इसका मतलब सिंडी ने मुझे तोहफा दिया है। बिल्कुल सही, सबने दिए हैं क्या? ईवा, मुझ पर भी तो ध्यान दो। हा? क्या हुआ भाई, सैंटा ही दे गया? जरा रुको, कौन है वो? कौन हो सकता है? तुम? क्रिस्टे। मैंने तो पहले दे दिया, मैं हूँ। यार दिमाग में दर्द हो रहा है मेरे तो, समझते नहीं यार। कौन होगा? हैरी होगा। हाँ मैं ही था। और क्रिस ने किया, उसने प्रेजेंट ईवा को दिया। और तुम्हारे बारे में तो भूल गया टीना, जो कि मेरे बगल में खड़ी है। सही है ना? तुम ही हो ना? अच्छा, अब पता चला कि टीना क्यों गेस्ट नहीं कर रही थी। अच्छा लगा तुम दोनों को ऐसे देखकर। ईवा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि ये पूरी तरह अलग होगा। मुझे पता है मैं काफी चालाक हूँ। मैंने तो छोटा ही सोचा था। अच्छा ठीक है, कौन रह गया? क्या सभी का हो गया? यहाँ एक और गिफ्ट है, क्या आप उसे खोलना चाहोगे? नहीं, क्योंकि हम उसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे, क्योंकि एक आदमी है जो हमारे साथ अभी यहाँ नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं भी यहाँ हूँ। अब मेरी बारी है। मुझे मत भूल जाना। ये वाला है शायद। हाँ यही है मेरा। मुझे देखने दो क्या होगा। वेल, मोजा तो बिल्कुल साइज का है, तो चलो इसे देखते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये उपहार कैसे दिए। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कागज का एक टुकड़ा खींचकर देखा कि मुझे कौन मिलेगा। मैंने पेपर खोला और वहाँ पर एक दिलचस्प, काफी दिलचस्प नाम लिखा था। पता है वो नाम क्या था? लिखा था सिंडी। तो मैंने वही किया जो मुझे करना था। मैंने खुद को ये प्यारा सा एक मोजा गिफ्ट कर दिया, जो कि काफी अच्छा है देखने में। कोई और मुझसे किसी और तरह का सवाल पूछना चाहेगा? कुछ टेस्ट हो जाए, चॉकलेट। कुछ और गेस करो। लंच? नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। सामान्यतः मैंने ये सोचा कि आप लोगों को क्रिसमस के मौके पर खुद को ये गिफ्ट देना चाहिए, है ना? प्लीज 3, 2, 1। तो सभी को मिलता है, सभी को मेरे यानी कि सैंटा की तरफ से मिलता है एक प्यारा सा चॉकलेट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ही लो। थैंक यू। ये हमारा फेवरेट है। और तुम दोनों भी। हमारा शुक्रिया। एक और मैं देख रही हूँ कि मियाँ बहुत ही स्मार्ट होती जा रही है और चाहती है कि अगले ब्लॉग में सभी लोग उसे उपहार दें। लेकिन मियाँ उपहार नहीं दे रही है। मैंने बस ये देखा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास तो सब कुछ था, तो मैंने ये सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो मैं सबके लिए बस चॉकलेट ले आई, क्योंकि मुझे सबको खुश करना था और इसीलिए मैंने ये किया। तो
ये बस यूं ही। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है और आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। आपके कमेंट का हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है और इसी तरह हमारे व्लॉग को प्यार करें। हाँ, आपको हमारा क्रिसमस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब समय है ये अगर तुम चाहो मैं क्रिसमस के बाद तुम्हें अपने शाही राजमहल ले जाऊंगी और हम मिलकर बूढ़े होने तक साथ रहेंगे। ओए तुम्हारे प्यास से मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारे प्यास से मुझे सच में बहुत हंसी आने लगी थी। एकदम गंदी सी बदबू आ रही है मुंह से। रात हो जाएगी छुट्टी में। रुको जरा, अभी एक और एक्ट आएगा, मिलकर करेंगे। मुझे शुरुआत में क्यों काट दिया, हमें दिखाओगे हम किसके सामने खड़े हैं? नहीं नहीं, होने वाला नहीं है, मैं लूंगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें पहले से ही। केला देख ले, केले के पीछे पड़े। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए नहीं केला, ये ले मेरा, अपने आप ही खा ले। निंजा टेक्निक इसकी तो पेक पेक केला मत पेक। देख टेबल के नीचे चला गया, एक और पेक के दिखा दूं। लेकिन एक बात बताओ, तुम प्याज को ऐसे चबा चबा के खा क्यों गए थे? एकदम पूरी तरह से चबा लिया था। ओए ओए, लेकिन बोलो ना, प्याज खा क्यों गए थे तुम? ओए ओए, खाई क्यों थी? टीना कहाँ है, उसे गिरफ्तार करना है। क्या यार, मेरी कोई गलती नहीं होती। आप सभी को मेरी क्रिसमस, आप सभी को मेरी क्रिसमस, आने वाला साल अच्छा हो। सिंडी हंस पड़ी, देखो सस्ता कॉकरोच लग रहा था ये। ये बताओ एक बार में हो गया कि नहीं, ये बता। छोटी बहन भूल गई आगे। दर्द हो रहा है यार। तुम्हारे पास कौन से बाल हैं? चलो सह लेंगे थोड़ा। सुपर्ब एक्टर सिंडी है, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया सिंडी।